शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। देखा देखा मेरी बात न मानने का नतीजा। अरे मैं सौतेली हूँ तो क्या हुआ, हूँ तो तेरी माँ। मैं तो पहले से ही जानती थी यही होने वाला है एक दिन। और लूटो लव मैरिज के मजे। अब बस भी करो माँ। बस कैसे करूँ, वो थप्पड़ तेरे मुँह पर ही नहीं मेरे दिल पर भी मारा है उस तलमुए ने। मेरी बात पल्ले बांध ले, चाहे वो कान पकड़े या नाक रगड़े तू उसके पास नहीं जाएगी, समझी? चार दिन में बच्चों के होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे मुनि का कंबल कहाँ गया? और उसके बाद उन्होंने पुलिस को मेरे पीछे लगा दिया। अब तुम्हें बताओ मौसी, मैं क्या करता? समझौता करते, अपने लिए नहीं अपने बेटे के खातिर आपस की दूरियां मिटा देते। तुम्हारी जरा सी जिद के खातिर लकी की जिंदगी अधूरी से बनकर रह गई है। हाँ तुम तो हमेशा की तरह मुझे दोष दोगी, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या पूरा कसूर मेरा ही था? नहीं बेटे नहीं, कुछ उसका कुछ तुम्हारा और कुछ हालात का। लेकिन डरती हूँ तुम्हारे किए की सजा लकी को न भुगतनी पड़े। अच्छा बेटा शाम को लेना। पापा बहुत दर्द हो रहा है पापा, पापा। घबरा नहीं बेटे, अभी ठीक हो जाएगा। शाबाश बेटे। तुम क्यों आई हो? लकी अब कैसा है? कौन लकी? मेरा बेटा। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। मुझे एक बार अपने बच्चे को देख लेने दो विशाल। हरगिज नहीं, तुम्हारी एक नजर पड़ी और उसे हॉस्पिटल लाना पड़ा। मेरे जीते जी तुम्हारी दूसरी नजर उस पर नहीं पड़ेगी। मैं उसकी माँ हूँ, जब तक उसे देखा नहीं था उसे महसूस नहीं किया था, उसके बिना जीने की सजा काट रही थी। लेकिन अब तुम उसकी कुछ नहीं लगती। मैं तुम्हारे लकी की कुछ नहीं लगती, लेकिन तुम्हारा लकी मेरा बहुत कुछ लगता है। तुम्हारे पास जीने के बाद से सारे ज्योति, लेकिन मेरे पास सिर्फ मेरा लकी है। मेरे पास जो है तुम ले लो, लेकिन मुझे मेरा लकी लौटा दो। लकी कोई बिकाऊ चीज नहीं है ज्योति, लकी मेरा दिल है। और इंसान के सीने में से अगर उसका दिल निकाल दिया जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। लकी अब मेरी भी जान बन चुका है विशाल, उसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। दुनिया की कोई भी ताकत लकी को मुझसे नहीं छीन सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ विशाल। नहीं आज तुमने बेदर्दी की सारी हदें तोड़ दी हैं विशाल। मत भूलो कि मैं भी एक माँ हूँ और लकी मेरा बेटा। अब उसे अपनाने का हक मुझसे भी कोई नहीं छीन सकता। आज तक मैं उसके लिए तड़पती रही हूँ, लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा कि बेटे की जुदाई का दर्द कैसा होता है। उठो बेटा दूध पी लो। बस चलो बेटा सो जाओ, एक घंटे बाद आपको जूस देना। पापा तुम्हारी घड़ी कहाँ है? घड़ी वो भी बीमार होगी, डॉक्टर के पास भेजी। डॉक्टर के पास? रिपेयर के लिए। चलो सो जाओ।
ऐसे कब तक घर की चीजें बेच बेच कर गुजारा करूं? नौकरी के बिना कैसे चलेगा? आज राशन वाला आया था, कल लकी की फीस भरनी है। आखिर तुम उसे किसी सस्ते स्कूल में क्यों नहीं डाल देते? यूं पैसा जाया करने की क्या जरूरत? मौसी, कितनी बार कहा है कि ऐसी बातें मत किया करो। लकी मेरा शहजादा बेटा और मैं उसे शहजादे की तरह पालूंगा। बस एक बार उसे ठीक हो जाने दो, देखना लाखों कमाऊंगा मैं। उस्मान, विशाल साहब, ये रजिस्ट्री है आपके नाम। नमस्ते जी। ये क्या है बेटे? नोटिस है कोर्ट का। बड़ी वकालत किया करती थी ना उसकी, केस कर दिया उसने मुझ पर। केस? कैसा केस? लकी पर हक जता है, छीन लेना चाहती है मेरा बेटा मुझसे। अब क्या होगा बेटे? कुछ नहीं होगा मौसी। अगर ज्योति को अपनी दौलत पर नाज है तो मैं भी लकी की खातिर बड़े से बड़ा वकील करूंगा। यस। नहीं भाई, कल का कह दो। चलो ठीक है, भेज दो अंदर। नमस्ते। कहिए, क्या काम है? एक केस के बारे में आपकी राय लेनी थी। कैसा केस? मेरा बच्चा, मेरी बीवी जो मुझसे अलग हो चुकी है, वो मेरे बच्चे को मुझसे छीन लेना चाहती। बच्चे की उम्र क्या है? 7 साल। अरे भाई, फैमिली लॉज की तमाम बातें आपके फेवर में है। ये काम तो कोई भी वकील कर सकता है, हमारे पास आने की क्या जरूरत थी? उसके पास बहुत पैसा है सर। आपने मशहूर सिंगर ज्योति का नाम तो सुना होगा। ऑफ कोर्स, उसे कौन नहीं जानता। वही है मेरे बेटे लक्की की माँ। आई सी। आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए। लोगों से पता चला कि आपसे बेहतर इस केस को कोई नहीं लड़ सकता। और लोगों ने यह भी बताया होगा कि मेरी फीस। आपकी जो भी फीस होगी मैं दूंगा, लेकिन लकी मेरे हाथ से नहीं निकलना चाहिए। नहीं निकलेगा। फिलहाल आप एक काम कीजिए, मेरे सेक्रेटरी से कल शाम का टाइम ले लीजिए और 10,000 रुपए एडवांस लेते आइए। ओके। ये लीजिए आपका लाइसेंस, अब आप रेस में हिस्सा ले सकते हैं। थैंक यू सर। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अचानक इतने सालों बाद आप? जरूरत एक बार फिर मुझे इस मैदान में ले आई। आप तो जानते हैं यही मैदान कभी मेरी जिंदगी था। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। विशाल। और आप? भाई, हमें जानकर ये बहुत खुशी हुई कि तुमने दोबारा रेस में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया है। इस नई जिंदगी की शुरुआत तुम हमारे घोड़े से क्यों नहीं करते? आज मुझे आपके सहारे की जरूरत नहीं। लगता है हमसे अब तक नाराज हो। भाई, हमने तो अपना हक समझकर कहा है। हक तो आपने उसी दिन अदा कर दिया था जिस दिन आपने मुझे नौकरी से निकाला था। एक बात याद रखिए सेठ, मैं जब भी राइडिंग करूंगा घोड़ा आपका नहीं होगा। गुड बाय। ये लो, और याद रहे कि विशाल का घोड़ा किसी भी कीमत पर नहीं जीता चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए सर, आज के बाद विशाल सवारी के काबिल ही नहीं रहेगा। Thank you.
डॉक्टर। ये सर एक्सरे रिपोर्ट, हेयरलाइन कराए गए सर, पेशेंट रिपोर्ट। ही लीजिए। ओह माय गॉड, पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार किया? यस डॉक्टर। कम ऑन लेट्स गो, हरी अप हरी अप। नर्स, कंप्लेनेंट ज्योति शर्मा वर्सेस मिस्टर विशाल। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट ने अपने इकलौते बेटे की कस्टडी के लिए दरखास्त पेश की है। दलीलों से मैं ये साबित कर सकती हूँ कि बच्चा बाप के बजाय माँ के पास रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि अदालत की हिदायत के बावजूद ना तो डिफेंडेंट और ना ही उसका कोई वकील इस वक्त यहां मौजूद है। इसलिए मैं अपील करती हूं कि अदालत की नाफरमानी को मद्देनजर रखते हुए एक तरफा फैसला किया जाए और मेरी क्लाइंट को अपने बेटी की कस्टडी का अधिकार दिया जाए। हैरी, योर ऑनर। योर ऑनर, मैं एक डॉक्टर हूं और मिस्टर विशाल की तरफ से कुछ कहने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है योर ऑनर। मिस्टर विशाल की गैर मौजूदगी की वजह अदालत की नाफरमानी नहीं बल्कि एक सीरियस एक्सीडेंट है। मैंने खुद उनको ऑपरेशन किया है और इस वक्त वो बेहोश पड़े हैं। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेडिकल ग्राउंड्स पर यह मुकदमा रोक दिया जाए और जब तक मिस्टर विशाल यहां आने के काबिल ना हो जाए किसी फैसले पर ना पहुंचा जाए। अदालत आपकी दरख्वास्त नोट करती है। योर ऑनर, क्योंकि इस मुकदमे को नतीजे तक पहुंचने में वक्त लगेगा, इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूं कि मेरी क्लाइंट को अपने बच्चे से मिलने की इजाजत दिलवाई जाए। योर ऑनर, एक डॉक्टर होने की हैसियत से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि जब तक इस मुकदमे का फैसला ना हो जाए बच्चे को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये उसकी माँ है। इससे उस मासूम के दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। मिसेस गुप्ता, आपकी क्या राय है? हमें मंजूर है योर ऑनर। अदालत हिदायत करती है कि ज्योति देवी हफ्ते में एक दिन अपने बच्चे से मिल सकती हैं या दिन भर के लिए उसे अपने घर ले जा सकती हैं। शाम को बच्चा वापस भेज दिया जाए। लकी, पापा, तुम कहाँ चले गए थे पापा? और ये क्या हो गया तुम्हें? बेटे ठोकर लगी और किस्मत से टकरा गया। चलो चले। आंटी से नहीं मिलोगे पापा? पापा आप तो थे नहीं तो आंटी हमें यहाँ ले आई। हमने बहुत मजा किया है ना आंटी? देखो लकी कितना खुश है। इसे थोड़ी देर यहाँ और रहने दो प्लीज। इन सब बच्चों के साथ खेल रहा है। खेल खत्म हो चुका है और कानून की दी हुई मोहलत भी। इस वक्त लकी को उसके पापा की जरूरत है। चलो लकी। ठहरो लकी। गणेशन। जी मैडम। तुम अपने प्रेजेंस तो भूल ही गई। ये लो। थैंक यू आंटी। यू वेलकम। बाय आंटी। बाय बाय। चलो पापा। पापा, आंटी बहुत अच्छी हैं। देखो कितने सारे प्रेजेंस दिए हैं मुझे। वो मुझे बहुत प्यार करती हैं। नहीं बेटे, वो खिलौने देकर प्यार जताकर तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। सच पापा? हाँ बेटे। तो नहीं चाहिए मुझे खिलौने? जो मुझे मेरे पापा से छीनना चाहे उसकी कोई चीज नहीं चाहिए मुझे। मैं आंटी से बात भी नहीं करूंगा। वकील का आदमी आया था बेटे। जानता हूं मौसी, उसको पैसे देने। ये दौलत भी बड़ी जालिम चीज है। कितनी जल्दी आदमी के घमंड, गुरूर और उसूलों को मिट्टी में मिला देती है। याद है एक दिन आपने मेरी नौकरी पर लानत भेजी थी। खैर कोई बात नहीं, मैं ये सारी बातें भूलकर आपको रुपया दे सकता हूं अगर आप मेरे चौकी बन जाएं। ये बात अब मेरे बस में नहीं है सर। क्यों? मैं मजबूर हूं और मैं ये मजबूरी आपको बता नहीं सकता। मुझे मजबूरियां सुनने का कोई शौक नहीं। रुपया हैसियत देकर दिया जाता है और आज तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है।
और फिर इतनी बड़ी रकम मैं तुम्हें किस खाते में दूं? मेरी नौकरी मुझे वापस लौटा दीजिए, मैं दिन और रात। नौकरी? वो तो मैं किसी और को दे चुका हूं। हाँ, हमारे फार्म का एक साइज छुट्टी पर गया हुआ है और हमें घोड़ों की सफाई के लिए एक आदमी की जरूरत है। तुम चाहो तो वो नौकरी मैं तुम्हें दे सकता हूं। मुझे मंजूर है सर। गुड। इसके अलावा मुझे मेरी रकम की गारंटी भी चाहिए। गारंटी मैं क्या दे सकता हूं सर, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास तो हीरा है हीरा, यही नाम है ना उस घोड़े का? राइट। तो फिर घोड़ा ले आओ और 10,000 रुपए ले जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो घोड़ा मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है। भाई दिस इज योर प्रॉब्लम, उसके बिना मैं तुम्हें रुपए नहीं दे सकता। और जब तुम मुझे मेरे रुपए वापस लौटाओ तो अपना घोड़ा ले जाना। राइट, अब तुम जा सकते हो। क्या हुआ बेटे? कुछ नहीं मौसी। क्या पैसों का इंतजाम नहीं हुआ? मैं हार गया मौसी, मैं हार गया। कल तक अगर वकील को पैसे नहीं पहुंचे तो वो केस नहीं लड़ेगा। लकी हमारे हाथ से निकल जाएगा, हमसे छीन जाएगा। जेके साहब ने मना कर दिया। पैसा तो वो देने को तैयार है मौसी, लेकिन बदले में हीरा को गिरवी रखना पड़ेगा, जो मैं हरगिज नहीं करूंगा। बेटा, घोड़ा फिर भी आ जाएगा, दिन बदलेंगे, लेकिन इस वक्त नहीं मौसी, नहीं। मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता। हीरा उसके सबसे प्यारी चीज है, उसके साथ खेला है, पला है, बड़ा हुआ है, और तुम कहती हो मैं उसे गिरवी रख दूं। कल वो हीरा के बारे में पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा? लकी पूछेगा ही नहीं। बेटे तुम? वाह पापा, दोस्त भी कहते हो और दोस्ती का मतलब भी नहीं समझते। नहीं बेटे नहीं, नहीं, तेरे हीरा को तुझसे अलग नहीं होने दूंगा। मुसीबत में दोस्त दोस्त के काम आता है ना पापा, बोलो ना पापा। हाँ बेटे। तो फिर गलती हो गई। बोलो सॉरी। सॉरी बेटे। पापा, तुमसे प्यारी मुझे कोई चीज नहीं है। लो, चाहे इसे बेच दो, चाहे इसे गिरवी रखो। पापा जो कुछ कर रहे हैं तेरे लिए कर रहे हैं। रो मत बेटे, रो मत। मैं क्या रो रहा हूं मौसी? और फिर तुम ही तो कहती थी कि हीरा को बेच दो, बेकार में अनाज खाता रहता है। लखी मेरे बच्चे। मिनोद, शादी एक पवित्र बंधन है और खास तौर से हमारे समाज में इसकी बहुत अहमियत है। अग्नि के साथ फेरे लेते वक्त जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, मगर इसके बावजूद आए दिन ये कस्में तोड़ दी जाती हैं। हंसते बसते घरों के सुख को बर्बाद कर दिया जाता है।
अपनी संस्कृति और धर्म के पवित्र उसूलों का गला घोंट देना हमारे समाज में एक बहुत बड़ा जुर्म है। आज भी इस अदालत के रूबरू चुनकी एक ऐसी ही कहानी है जिसका शिकार एक औरत और उसका मासूम बच्चा है और जिसका कसूरवार एक खुदगर्ज और संदिल मर्द है। योर ऑनर, मैं आपकी इजाजत से मिस्टर विशाल से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। मिस्टर विशाल, तशरीफ लाइए। मिस्टर विशाल, मेरी क्लाइंट ने आप पर इल्जाम लगाया है कि बरसों पहले आप उसके दूध पीते बच्चे को घर से चुराकर गायब हो गए, क्या यह सच है? जी हाँ। शायद आप नहीं जानते कि एक दूध पीते बच्चे को उसकी मां से अलग कर देना एक संगीन जुर्म है, और अगर जानबूझकर आपने ये जुर्म किया है तो जाहिर है इसकी कोई वजह रही होगी। क्या मैं पूछ सकती हूँ आपने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सिंगर बनना चाहती थी। और आपकी नजर में ये एक ऐसा जुर्म है जिसे माफ नहीं किया जा सकता। आपके नजदीक तो औरत का काम सिर्फ घर संभालना, झाड़ू देना और बच्चे पैदा करना है। खैर, आप दोनों के जीवन में ये दरार कब पड़ी? बच्चा पैदा होने से पहले या उसके बाद? बच्चा होने के बाद। और बच्चे का मसला कैसे हल किया आपने? मैं बच्चे को लेकर दूसरे शहर चला गया। लेकर नहीं मिस्टर विशाल, उसे चुरा कर। उसकी माँ से इजाजत लेने की आपने जरूरत ही नहीं समझी, क्योंकि आपके नजदीक औलाद तो बाप की मिल्कियत होती है। माँ सिर्फ अपनी जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देने का फर्ज पूरा करती है, और इसलिए आप गैर कानूनी तौर पर उसे लेकर फरार हो गए। बच्चे को माँ के बारे में क्या बताया आपने? कि वो मर चुकी है। मिस्टर विशाल, एक मासूम बच्चे से इतना बड़ा झूठ बोलते हुए आपकी जमीर ने कुछ तो धिक्कारा होगा आपको। यह जमीर नामी चीज को बिल्कुल ही भुला दिया आपने। बाय द वे, आजकल आप क्या करते हैं? कुछ दिन पहले नौकरी करता था, आजकल बेकार हूं। पता नहीं है आपको सच से इतनी नफरत क्यों है मिस्टर विशाल, वरना आप अच्छी तरह जानते हैं आप बेकार नहीं, नौकर है एक अस्तबल में जहां आप घोड़ों की सफाई करते हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, वकील साहबा को मेरे क्लाइंट पर कीचे उछालने का कोई हक नहीं। आखिर ये साबित क्या करना चाहती है? मैं ये साबित करना चाहती हूँ योर ऑनर कि ये आदमी एक झूठा, खुदगर्ज और बेजमीर इंसान है जिसने अपनी नेक और पतिव्रता पत्नी को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया कि वो सिंगर बनना चाहती थी, घर की जिम्मेदारियों में कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलना चाहती थी। मासूम जहन को एक अच्छी परवरिश और एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है मिस्टर विशाल। आप अपने बेटे के लिए एक कामयाब बाप कैसे बन सकते हैं जबकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि जिंदगी के किसी भी पहलू में आप कामयाब नहीं रहे। यू आर ए टोटल फेलियर मिस्टर विशाल, आप एक नाकाम इंसान है, अपने पेशे में नाकाम, यहां तक कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते में भी नाकाम। ऐसे इंसान का औलाद पर कोई अधिकार नहीं योर ऑनर, अगर किसी का अधिकार है तो सिर्फ उसकी मां का। अब यूं औरतों की तरह सर पकड़कर बैठने से क्या फायदा? केस तुम लोग खराब करते हो और बदनाम होता है वकील, हर बात पे इस तरह सर हिलाने की क्या जरूरत थी? दरअसल बात यह थी वकील साहब, मैं परेशान हो गया था। परेशान हो गया था? मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि वहां किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे? बताया तो था, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारी जरा सी गलती ने मुझे डिफेंसिव पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया है, एंड दैट्स द पोजीशन आई हेट, आई डोंट लाइक इट। अब होगा क्या? होना क्या है? अब होगा ये कि कल सुबह बच्चे को कोर्ट में ले जाएंगे। नहीं वकील साहब, लकी अदालत में नहीं आएगा, उसे लाना पड़ेगा। मुझे ये केस जीतना है। आपको ये केस लकी को अदालत में लाए बगैर ही जीतना होगा। ज्योति देवी, जरा अपनी साड़ी का पल्लू ठीक कर लीजिए। थैंक यू।
हाँ तो ज्योति देवी, ना तो मैं ड्रामा कंपनी का आदमी हूं, ना टीवी प्रोड्यूसर और ना ही म्यूजिक डायरेक्टर, लिहाजा मेरे हर सवाल का जवाब टू द पॉइंट और साफ साफ दीजिएगा। अलिफ लैला की कहानियां सुनानी शुरू मत कर दीजिएगा, इससे एक तो अदालत का वक्त जाया होगा, दूसरा मेरा भी, और आप तो वैसे भी ओवर कमिटेड हैं। आप जानती हैं कि एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी में पति का क्या दर्जा होता है? जी हाँ। पति परमेश्वर कहलाता है, भगवान का स्थान दिया गया है उसे, क्या इस बात से आप इनकार करती हैं? जी नहीं। फिर भी आपने अपने पति की आज्ञा मानने से इनकार किया, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? मैं ऐसा हरगिज नहीं करती, मगर मगर आपके शौक ने आपको मजबूर कर दिया, इसलिए कि आपका शौक आपको घरेलू जिंदगी से ज्यादा अजीज था, am I right? मैंने तो सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि औरत बलिदान और कुर्बानी का दूसरा नाम होती है, और वैसे देखा जाए तो आपने भी ऐसी एक मिसाल कायम कर दिखाई है। जी जी हाँ, शायद आप भूल रही हैं कितनी बड़ी कुर्बानी दी है आपने, अपने घर की, अपने बच्चे की और अपने पति की, और ऐसा करके बरसों से चली आ रही इस परंपरा को आपने खाक में मिला दिया है, औरत और पवित्रता के नाम पर थप्पा लगा दिया है, एक ही छटके में उसे कहां से कहां पहुंचा दिया है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। ज्योति देवी, क्या आपकी हरकत साबित नहीं करती कि आप एक निहायत ही खुदगर्ज औरत हैं? ऑब्जेक्शन सर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। यस योर ऑनर। क्या यह सच नहीं कि आपने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पति और बच्चे को दांव पर लगा दिया, यहां तक कि उस दहलीज को भी पार कर गई जिसके बाद औरत पत्नी नहीं बदनामी का दाग कहलाने लगती है? ऑब्जेक्शन सर। एंड आई ऑब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्शन सर। ये एक बच्चे के भविष्य का सवाल है, अगर वकील साहबा मेरे क्लाइंट पर कीचड़ उछालने का हक रखती हैं, तो मैं भी इस औरत को बेनकाब करने का हक रखता हूं। हां तो ज्योति देवी, तो फिर ये शौक तो ना हुआ, एक प्रोफेशन बन गया, एक जरिया बन गया। दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि आप अपनी आवाज बेचती हैं। मेरा मतलब है कि जिस तरह एक दुकानदार सौदा बेचता है, या बदनाम औरतें अपना जिस्म बेचती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील साहब को यह मालूम होना चाहिए कि आवाज बेचने और जिस्म बेचने में बहुत फर्क होता है। अरे भाई, आप खफा क्यों होते हैं, मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूं। शुक्रिया। हाँ तो ज्योति देवी, आपके पेशे में आपका वास्ता यकीनन मर्दों से भी पड़ता होगा, मेरा मतलब है कि प्रोड्यूसर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स वगैरह वगैरह से। पूछ सकता हूं कि कितने मर्दों के साथ आपका करीबी ताल्लुक रहा है, मेरा मतलब है कि जिसे आप लोग अपनी जुबान में रोमांस कहते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी को चाहा है। ना 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 ना, आप भूल रही हैं, एक नाम और भी है, म्यूजिक डायरेक्टर हरीश शाह का, जिसने आपके इश्क में खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस खुदकुशी की वजह मेरी मोहब्बत नहीं, मेरी नफरत थी। आई सी। और उस संगीतकार के बारे में आपको क्या कहना है जिसके 5 गानों के लिए आपने पैसे ही नहीं लिए? वहां भी मोहब्बत नहीं, एक गिरते हुए इंसान को सहारा देने की कोशिश थी। लोगों को सहारा देने का बहुत शौक है आपको, और शायद इसी शौक ने आपको घर की चार दीवारी से निकलकर सेठों के बंगलों की जीनत बनने पर मजबूर कर दिया। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बातें करते हुए। शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने घर का चिराग बनने के बजाय महफिलों की क्षमा बनना पसंद किया। कौन नहीं जानता जिस पेशे से आपका ताल्लुक है वहां दिन सोते हैं और रातें जागती है, संगीत की महफिलें सजती हैं, नाच गाना चलता है, रंग रलियां मनाई जाती है, और इन महफिलों में मर्द अपने होश गवाकर औरत की इज्जत को एक खिलौने से ज्यादा नहीं समझते। मैं पूछता हूं, क्या यही भविष्य पसंद किया है आपने अपने बच्चे के लिए? क्या यही गंदा माहौल दिखाना चाहती है उस मासूम के जहन को? क्या यही बदनामी का दाग सजाना चाहती है उस बच्चे के चेहरे पर? आपने एक तंग गली से रोशन बंगले तक जो सफर तय किया है उसमें बहुत कुछ खोना पड़ता है ज्योति देवी, बहुत कुछ। जमीर, एहसास, दिल, यहां तक कि जिस्म की खूबसूरती को भी दांव पे लगा देना पड़ता है। मेरे नजदीक शोहरत और चमक दमक में लिपटी हुई आपकी काया किसी जलील और बदनाम औरत से कदे कम नहीं। बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए, बस कीजिए।
योर ऑनर, मुझे नहीं मालूम था कि एक को अच्छा साबित करने के लिए दूसरे पर इतना कीचड़ उछालना पड़ता है। मेरा बच्चा मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा अजीज ज्योति की इज्जत है, जिसे मैं रुस्वा होते नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अदालत आपके जज्बे की कदर करती है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपकी इस बात के कहने से आपके केस पर क्या असर पड़ सकता है। जानता हूं योर ऑनर, मगर मैंने पहले इन्हें बहुत तकलीफें पहुंचाई हैं, अब इनके दुखों को और बढ़ाना नहीं चाहता। तो आप बच्चे को ज्योति देवी के हवाले करने को तैयार हैं? मैं तैयार हूं सर, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी सी मोहलत चाहिए। ठीक है, अदालत आपको 15 दिन का वक्त देती। थैंक यू सर। घर की सारी रौनक उसी से है बेटा, अगर वो चला गया तो ये घर सूना हो जाएगा। हाँ मौसी, घर तो सूना हो जाएगा, लेकिन माँ का प्यार मिलने से लक्की के दिल के घाव तो भर जाएंगे। लक्की को बाप की जरूरत है, तेरा प्यार उसके लिए काफी है। उसे रोक ले बेटा, रोक ले उसे। कैसे रोक लूं मौसी? फिर तुम्हें तो बहुत तंग करता था ना? हाँ, यही गम खाए जा रहा है मुझे। वो चला गया तो कौन लड़ेगा मुझसे, कौन मनाएगा मुझे? ये घर घर नहीं रहेगा बेटे, घर नहीं रहेगा। मुझे बता रही हो मौसी, जिसकी जिंदगी की तमाम खुशियां लक्की में सिमट कर रह गई थी, उसकी शक्ल ना देखूं तो मेरी सुबह नहीं होती, उसे सीने से लगाऊं तो मैं रात को सो नहीं सकता, और जब वो पापा पापा कहता है तो मैं तो रो भी नहीं सकता। तुम्हारी पैसे की हवस ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, मेरा बसा बसाया घर उजड़ गया। मेरी खुशियों, मेरे अरमानों का गला घोंट दिया है तुमने, मेरी जिंदगी को नरक बना दिया। मेरी वजह से तेरी जिंदगी नरक नहीं स्वर्ग बनी है। आज मेरी ही वजह से तू इस दौलत और शौहरत की मालिक है। हर तरफ तेरे नाम का डंका बजता है, जिधर जाती है हल तालियों से गूंज उठते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद को विशाल के बराबर बना लूंगी। और सुनो, आज से मैंने गाना भी छोड़ दिया है। ज्योति, अब तुम्हारी सोने चांदी की जंजीरें मुझे नहीं रोक सकती। माँ, मैं जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ, अपने विशाल के पास जा रही हूँ। सुना ज्योति? अब ये तेरा घोड़ा नहीं, मेरा घोड़ा है। तेरे बाप को पूरे 10,000 रुपए दिए हैं बच्चे, तेरा बाप इसे बेच गया है, समझा? चल भाग यहाँ से। बदमाश है, इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम। ज्योति देवी, आप
केस जीतने के बाद एक हारे हुए वकील के पास आने की वजह, उन्हें जेल हो गई है वकील साहब। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि आज उसे जेल से छुड़ाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हालात ने उसे तोड़ दिया है। आज वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं बल्कि गुमनामी के अंधेरों में खो चुका है। जो इंसान खुदकुशी करने पर आमादा हो, उसे मेरे जैसा वकील भी नहीं बचा सकता। यकीन मानिए वकील साहब, वो ऐसे नहीं थे। कामयाबी और शोहरत उनके कदम चूमती थी। एक बार वो जेल से निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक उजड़ा हुआ घर फिर से बस जाएगा, एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा, एक बेटे को उसका बाप। मैं आपके आगे हाथ जोड़ के, वकील साहब इनकार मत करिएगा। मैं जानता था आप जरूर आएंगे। मेरी वजह से आप जिंदगी में पहली बार केस हार गए। मेरी वजह से आपके नाम और शोहरत पर धब्बा लग गया। क्या करता, मजबूर था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। एक केस में हार गया लेकिन दूसरा जीतना चाहता हूं। इस वकालतनामे पर साइन कर दो, हाई कोर्ट में अपील करके तुम्हें यहां से मैं छुड़ा लूंगा। मैं जानता हूं आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, लेकिन आज मैं आपकी फीस देने के काबिल नहीं रहा। मुझे फीस नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ये क्यों नहीं कहते कि फीस आपको मिल चुकी है? ज्योति ने भेजा ना आपको? उस औरत ने भेजा है जिसकी इज्जत तुम्हें अपने बेटे से भी ज्यादा अजीज है। उस औरत ने भेजा है जो केस जीत कर भी हार गई है। उसे सिर्फ बेटा ही नहीं पति भी चाहिए, उसकी रिहाई चाहिए। आपको फिर से एक बार मायूस होना पड़ेगा। जिसकी जिंदगी कैद हो चुकी हो उसे रिहाई कैसे मिल सकती है? यह सजा तो मुझे काटनी ही होगी। देखो विशाल, अगर तुम जिद करोगे तो मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। डॉक्टर और वकील अपने मरीज या क्लाइंट से पूछकर उसका इलाज नहीं करते। आप समझते क्यों नहीं है, इस मर्ज का कोई इलाज नहीं है। इलाज है, मैं साथ लेकर आया हूं। लो, पूछ लो अपने बेटे से। किसी भी हालत में ये ज्योति के पास रहने को तैयार नहीं। तुम यहां जेल में रहोगे तो इस मासूम को क्या अनाथ आश्रम में रखोगे? हेलो पापा। हेलो बेटे। पापा, घर चलो पापा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम्हारे पापा ने जुर्म किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए ना। कुछ दिन यहाँ रहना होगा। पापा, मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। नहीं, ये जगह तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है, यहाँ बुरे लोग रहते हैं। तुम तो बहुत अच्छे हो पापा। देखो, अब तुम्हें ज्योति आंटी के यहाँ रहना होगा या अंकल तुम्हें वहाँ छोड़ देंगे। नहीं पापा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर ज्योति आंटी तो मुझे तुमसे छीनना चाहती हैं। याद है एक दिन तुम्हीं ने तो कहा था। देखो बेटा, जिद मत करो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा करो। आज तक मेरी कोई भी बात मानने से इनकार किया तुमने? नहीं पापा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मुझे अपने से दूर मत करो पापा, प्लीज पापा। देखो बेटे, तुम्हें वहाँ जाना होगा। मैं नहीं जाऊँगा। मैं कहता हूँ तू जाएगा वहाँ? मैं नहीं जाऊँगा। मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा पापा। क्या पापा, पापा की रट लगा रखी है? क्या मिल जाएगा तुझे मेरे साथ रहकर? कुछ नहीं दे सकता मैं तुझे। तेरा पापा नाकाम इंसान है जो तुझे प्यार के सिवा एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकता। तू मेरे जैसा बनना चाहता है? बोल, मेरे जैसा बनना चाहता है? मैं तो ना चुका हूं तुझसे, मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ। मैं तो ना चुका हूं, मुझसे नहीं उठाया जाता तेरा ये बोझ। मैं बहुत थक गया हूं बेटे, बहुत थक गया हूं। मत रो पापा, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो पहले क्यों नहीं मानी मेरी बात? गलती हो गई तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी पापा। हेलो
जा। चलिए अंकल। सका, मैंने बहुत कोशिश की, तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? आती थी, हाँ बेटा, तू नहीं जानता, तेरा पापा तेरे लिए कितना रोया है, वो तेरे बगैर नहीं जी सकता। देख, मैंने तुझे मारा था ना, मैंने अपने आप को सजा भी दे दी। अब तुम मुझे अपने से दूर नहीं भेजोगे ना पापा? नहीं बेटा, कभी नहीं। तो फिर मुझे अपने सीने से लगा लो। हाँ बेटा, हाँ। पापा, क्या हुआ, क्या हुआ लकी? बेटा तुम बोलते क्यों नहीं? मैं तुमसे नहीं बोलूंगा आंटी, तुमने मुझे मेरे पापा से छीन लिया, यही चाहती थी ना तुम? पता नहीं क्या हाल होगा मेरे पापा का, रात को उन्हें मेरे बिना नींद भी नहीं आती, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। देखो मैं भी तो तुमसे प्यार करती हूँ ना। नहीं आंटी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती, नहीं तो तुम मुझे मेरे पापा से कभी अलग नहीं करती। बोलो आंटी, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों किया? अपनी ममता से मजबूर थी बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? बेटा बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? हाँ माँ, तुम्हारी माँ, और तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेटे। ये झूठ है, मैं सिर्फ पापा का बेटा हूँ और मेरी माँ मर चुकी है। नहीं बेटा नहीं, तुम्हारे पापा ने तुमसे झूठ कहा था। मेरे पास आओ, अपनी माँ के पास आओ। छोड़ दो मुझे, तुम मेरी माँ नहीं हो, अगर तुम मेरी माँ होती तो हमारे घर में होती। शायद तुम ठीक कहते हो बेटा, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। एक बार उस घर की दहलीज पार करके जो गई, उसकी सजा आज तक भुगत रही हूँ। आज तेरे पापा भी मुझे अपनाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अंदर से टूट चुके हैं, जिंदगी से हार मान ली है उन्होंने। कल तक दौलत और शौहरत जिनके पांव चूमती थी, आज वो मुझे तो क्या तुझे भी नहीं पाल सकते, नहीं तो क्या वो तुझे अपने से दूर करते? लकी बेटे, तुझे अपने पापा से बहुत प्यार है ना? तो जा, उन्हें फिर से चैंपियन बना दे। मैं जानती हूँ वो तेरी बात कभी नहीं डालेंगे। कल वो जेल से छूट रहे हैं ना, और कुछ ही दिनों के बाद यहाँ की सबसे बड़ी रेस है, 2,00,000 रुपए का इनाम है। अगर तेरे पापा ये रेस जीत गए ना, तो वो तुझे अपने से कभी दूर नहीं करेंगे। उनकी जिंदगी की उजड़ी हुई खुशियाँ फिर से लौट आएंगी, और ये खुशियाँ सिर्फ तू उन्हें दे सकता है, सिर्फ तू बेटे, सिर्फ तू। लकी, लकी मेरे बेटे, कैसे हो पापा? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छा हूँ। पापा, अपना हीरा आंटी से वापस ले आई। अच्छा? हाँ पापा, अगली कोर को बहुत बड़ी रेस है, और मैं चाहता हूँ कि हम अपने हीरा को उसमें दौड़ाएं। हीरा को? पापा, तुम ही तो कहते थे कि हीरा बहुत अच्छा घोड़ा है और एक दिन बहुत बड़ी रेस जीतेगा। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हीरा उस रेस में दौड़ेगा और तुम राइडिंग करोगे। मैं? नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता। नहीं। क्यों नहीं हो सकता? मैं जानता हूँ, तुम कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन हो। नहीं बेटा, मैं ये
काम छोड़ चुका हूँ। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं राइडिंग नहीं कर सकता? मेरी खुशी के लिए भी नहीं। देखो बेटा, तुम्हारी खुशी के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन देखो, मैंने आज तक तुम्हारी कोई बात टाली है? फिर आज क्यों टाल रहे हो? बोलो पापा, जब लोग तुम्हें एक बार फिर चैंपियन कहेंगे तो मुझे कितनी खुशी होगी। मैं सबके सामने सिर उठाकर कह सकूंगा, आई एम लकी सन ऑफ चैंपियन जॉकी विशाल खन्ना। है किसी के पापा में हिम्मत जो मेरे पापा का मुकाबला कर सके? बोलो पापा, करोगे ना राइडिंग प्लीज मेरी खातिर? तुम्हारी खातिर, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये बाजी भी खेलूंगा। और जीतोगे भी जरूर। हाँ बेटे, अगर जिंदगी और मौत की बाजी खेलनी है तो जीतने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। डर्बी में हमारे रॉकी का क्या चांस है? चांसेस तो 100% है सर। तुम्हें पूरा यकीन है? यस, इस बार हमारा घोड़ा बिल्कुल तैयार है और उस पर जो जॉकी बैठा है सारे हिंदुस्तान में उसी का तो नाम है। राइट। लेकिन मेरे पापा से नहीं जीत सकता वो। ओ, तुम बेटे अपने कद से ऊंचा नहीं बोलते। शायद तुम नहीं जानते कि इस रेस में रॉकी के मुकाबले का और कोई घोड़ा नहीं है। सेठ साहब, मेरा हीरा। बेटे, हम घोड़ों की बात कर रहे हैं, गधों की नहीं। अपने पापा से कहो कि हीरा को तांगे में जोत लें, सवारी का शौक भी पूरा हो जाएगा और उस बेचारी की रोजी रोटी भी चलती रहेगी। और आप भी अपने घोड़े को अस्तबल में बांध कर मालिश करवा लीजिए तो अच्छा है, क्योंकि ये रेस मेरे पापा ही जीतेंगे। विशाल कहाँ है? वो तो स्टार्टिंग गेट तक जा चुका है। लेकिन डॉक्टर, आप इतने परेशान क्यों हैं? मुझे ये रेस रोकनी है किसी कीमत पर भी। रेडी। चौबीस सौ मीटर की इस दौड़ के पहले 400 मीटर पूरे, हीरा सबसे पीछे और रॉकी सबसे आगे। 8 साल पहले हर रेस में तहलका मचा देने वाला जॉकी विशाल बुरी तरह पिछड़ा हुआ। फेवरेट रॉकी सारे घोड़ों को आउटपेस करता चला जा रहा है। स्टार्ट टू फिनिश ये रेस जीतने की उसकी कोशिश कामयाब होती दिखाई दे रही है। खचाखच भरी हुई भीड़ चिल्ला चिल्ला कर रॉकी को बढ़ावा दे रही है। अब घोड़ों ने इस रेस की आधी दूरी तय कर ली है। रॉकी के डग हर स्ट्राइक के साथ लंबे होते चले जा रहे हैं। वो ताकत, स्टेमिना और स्पीड की एक नई मिसाल कायम करता चला जा रहा है। लेकिन अब विशाल भी जान की बाजी लगाकर हीरा को आगे लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर रॉकी अभी भी बहुत आगे है। घोड़े अब आखिरी मोड़ की तरफ आ रहे हैं। 600 मीटर के इस मार्ग पर घोड़ों का एक जमघटा सा कायम हो गया। होम स्ट्रेच में रॉकी सबसे पहले दाखिल, उसने रेलिंग पकड़ ली है और सारी फील्ड से कम 4 लेंथ आगे। विशाल अब भी सबसे पीछे, हीरा बाहर की तरफ भाग रहा है, पर विशाल ने अब उसे संभाल लिया है और विशाल हीरा को सबसे बाहर की तरफ निकालकर अब उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी स्पीड के सामने रॉकी को छोड़कर सारी फील्ड खड़ी नजर आने लगी है। आखिरी 200 मीटर बाकी रह गए। दोनों घोड़े नेक टू नेक फाइट कर रहे हैं। लोगों ने दांतों से दबंगी दबंगी दबा ली है। विशाल की घुड़सवारी देखकर आंखों को यकीन नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि उसकी जिंदगी, उसका सब कुछ इस रेस की हार जीत पर निर्भर करता है। और अब रॉकी के छक्के छूटते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर चैंपियन बनते हुए हीरा के ऊपर चीफ मिनिस्टर्स ट्रॉफी जीत रहा है। मुश्किल से 10 मीटर और बाकी रह गए हैं। हीरा 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेंथ आगे निकल गया। जो ब्लैंकेट फिनिश नजर आ रही थी वो वन हॉर्स रेस बन गई है। द रेस इज ओवर। चैंपियन जॉकी विशाल हीरा को शानदार अंदाज में 10 लेंथ से रेस जीत गया। मैं डॉक्टर शर्मा बोल रहा हूँ रेस कोर्स से। मुझे फौरन इमरजेंसी इक्विपमेंट चाहिए। हाँ,
वक्त बहुत कम है। नहीं नहीं, मरीज शिफ्ट नहीं किया जा सकता, दिस इज इमरजेंसी। डॉक्टर, विशाल बच तो जाएगा ना? समझ में नहीं आता उसने ऐसा क्यों किया। मैंने बार बार कहा था विशाल तुम बीमार हो, राइडिंग तुम्हारे लिए खतरनाक है, तुम्हें हेमरेज हो सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है, फिर ये पागलपन उसने क्यों किया? पापा, 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 पापा। मैं कहता था ना पापा कि तुम कल भी चैंपियन थे और आज भी चैंपियन हो। ज्यादा चोट तो नहीं लगी पापा? नहीं बेटा। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे ना पापा? हाँ। मैं सर दबा दूं? नहीं बेटा। देखो बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। ये जो दुनिया है ना, यहाँ हर चीज बदलती रहती है, कभी दिन है तो कभी रात, कभी पेड़ों पर फूल खिलते हैं फिर मुरझा जाते हैं, स्कूल की क्लासों में नए लड़के आते हैं और पुराने चले जाते हैं, है ना? हाँ पापा। इसी तरह दुनिया का हर नाता, हर बंधन एक न एक दिन टूट जाता है। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो कभी नहीं टूटते। नहीं बेटे, जो आया है उसे जाना भी है, बाकी सब रिश्ते पीछे छूट जाते हैं। आज आज वो दिन आ गया बेटे। नहीं पापा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ पापा। तेरा और मेरा साथ, तेरा और मेरा, तेरा मेरा रिश्ता यहीं तक था, यहीं तक। ओह नो, नर्स टूटती जा रही है, इंजेक्शन दो जल्दी। विशाल शर्मा, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जीऊंगा, मुझे जीना है अपने लक्की के लिए। दो जिस्म एक जान, कभी अलग हो सकते हैं? पापा ने तुझसे एक झूठ बोला था। क्यों पापा? तुम तो कहते थे झूठ बोलना बुरी बात है। गलती हो गई बेटा। तो फिर सॉरी बोलो। सॉरी बेटा। बेटा, ये जो है ना, ये तुम्हारी आंटी नहीं है, ये तुम्हारी माँ है। माँ? हाँ बेटा। ज्योति, ज्योति, आवाज हम दोनों मिलकर अपने बेटे को उसका अधिकार लौटा दें।